छुई खदान से दनिया मार्ग के लगभग 27 किलोमीटर सड़क निर्माण की शुरुआत 6 मार्च 2020 को हुई थी और सड़क निर्माण की कार्य अवधि 20 माह की थी। इस हिसाब से 2021 में ही सड़क को पूरा हो जाना था। वहीं छुई खदान शहर से आगे की सड़क तो ठेकेदार ने पूरी बना दी, लेकिन इस मार्ग में स्थित छुई खदान के कंडरा पारा में नाली और सड़क के निर्माण को ठेकेदार द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे वार्डवासी और इस मार्ग से आवाजाही करने वाले लोगों को अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिसको लेकर परेशान वार्डवासी और छुई खदान नगरवासियों ने स्टेट हाईवे में चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही एडीबी प्रोजेक्ट के असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर एसएन साहू ने लोगों को आश्वासन दिया कि अभी अस्थायी तौर पर इस समस्या का समाधान करेंगे और बारिश का मौसम जाते ही सड़क और नाली का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। जो निर्माण विगत 4 वर्ष से चल रहा था वो छुई खदान बिजली ऑफिस से लेकर कांडापारा के आगे उदयपुर रोड में करीब करीब 1.5 किलोमीटर है, ये 4 साल से अपूर्ण है और अभी तक ना नालियां बनी है ना सड़क का निर्माण हुआ है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। छोटे छोटे स्कूली बच्चे आते हैं, कई लोगों का तो एक्सीडेंट में पैर हाथ टूट गया है, गाड़ियां पलट रही है, जिससे जनता को भारी असुविधा हो रही है। लगभग 8 से 10 बार जनता के द्वारा ज्ञापन दिया जा चुका है, उसके बाद भी प्रशासन के कान में जरा सा भी जूई भी नहीं चल रही है। बरसात में जो नाली निर्माण का काम है और मेंटेनेंस का काम है वो कंटिन्यू चलते रहेगा और जो मेन सड़क निर्माण कार्य है जैसे ग्रामीण बरसात बंद होने के बाद किया जा सकता है। उसका कारण यह था कि कुछ लोगों का जिनका घर हटाना है ना, उन लोग नहीं हटाए, क्योंकि एडीजी के द्वारा उनको हटाने का भी फैसला दिया गया था, लेकिन कुछ कोर्ट केस के कारण और भी जो अन्य समस्या है उसके कारण घर नहीं छोड़ा जा सका है, तो उसी के कारण देख लिया है। मलबा हटाने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित व्यक्ति को पूरा पैसा दिया गया है, वो जब नहीं हटाया तब ठेकेदार द्वारा उसको हटाया जाता है, तो ठेकेदार को हटाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग का पैसा मिलता है, लेकिन तोड़ने का काम, शिफ्टिंग का काम उसका व्यक्ति का है। प्रदर्शन करना तो उचित नहीं है। इन लोगों के द्वारा अतिक्रमण पूरा किया हुआ था, इलेक्ट्रिक पोल, पाइपलाइन और वृक्ष और घर, ये सब हटाने में विलम्ब हुआ। मेरे द्वारा पूरा पैसा दे दिया गया है, लेकिन विद इन टाइम नहीं हटाया गया, जिसके कारण कार्यकर्ता में विलम्ब हुआ। डैम का काम मेरा चल रहा है, मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है, क्योंकि रोड पूरी तरह खत्म हो गई है, तो जितनी भी गिट्टी डालूंगा मैं, बारिश में सर्वाइव करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। मेरा मेंटेनेंस कंटिन्यू चल रहा है, बारिश के बाद निर्माण कार्य दुर्गति पर प्रारंभ किया जाएगा। हम छुई खदान से हैं, छुई खदान के निवासी हैं, पूर्णिमा निषाद मोर नाम है बे। देखो यहाँ बिजली ऑफिस से वहाँ मतलब पूरा मंदिर तक जाने तक पूरा समस्या, रोड पूरा खराब है। हम लोग 4 साल हो गए रोड मतलब बनने के लिए, मतलब घर फोड़े हैं, हम लोग घर फोड़ दिए, सरकार जैसे आदेश हमको दिया है उसी तरीका से हम लोग घर फोड़ दिए और 4 साल हो गए, अभी तक हमारा रोड बना नहीं है, रोड बना नहीं है ना नाली नहीं बना है। हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूरा गिर गिर के पूरा हाथ पैर छोला गए है बे। आई बाहर से भी आते कोई लड़की लड़का वहू मन गिरा थे बे, आई तो हम लोग को मंदिर जाने में हर चलने में मतलब पूरा दिक्कत जाते हमारे ना नाली नहीं बन सकी और हमन हाँ हमार घर ला टोर के सब ला बर्बाद करे है। आज 4 साल हो गए टोरे, तो हम किराया महन तो 200 रुपया रोजी करते किराया काला दी बता, वो 200 रोजी वाले हैं और रोड ला नहीं बना है, 4 साल हो गए ठेकेदार है का करा थे। आज हम लोगों ने पूरे नागरिक सर्वदलीय नगर विकास मंच के आह्वान पर छुई नगर सभी दल के लोग शामिल है, क्योंकि 4 साल से हम लोग इस रोड के लिए काफ़ी परेशान है। 4 साल पूर्व माननीय गिरोह सिंह ने इस रोड पर घूम किया था और विगत 4 वर्ष जाने के बाद भी छुई का शहर का 1 से 1.5 किलोमीटर रोड है जो आज तक बन नहीं पाया, जिसके कारण सभी लोग मुआवजन करवा के लगभग लोग स्वतः रूप से अपना घर भी मकान तोड़ कर ऐसी बैठे हैं, नाली भी नहीं बन पाई, इतना नालियों का पानी पर रोड में बह रहा है। आज जो नागरिक एकता समिति के द्वारा हमारे छुईखदान नगर में चक्का जाम किया गया था, वो यहाँ के नगर के लोगों की पीड़ा थी, जो लगभग 5 साल से हमारे छुईखदान कर्रापारा वार्ड के निवासी भुगत रहे हैं। एडीबी प्रोजेक्ट के द्वारा एक रोड का निर्माण और नाली का निर्माण करना था 5 साल से,
वो पूरी बस्ती को बस्ती के कर्रापारा के सामने से खोद के अधूरा छोड़ दिए हैं, जिसके कारण आम नागरिकों को केवल छुईकदान कर्रापारा के लोगों को नहीं बल्कि यहाँ आसपास के गांव के आम गांव गोपालपुर बिरौड़ी आने वाले लोगों को भी बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और लोगों के जानकारी के बगैर उनसे घर को लोगों ने खुद तोड़ा और मलबे को भी खुद फिकाया, जबकि जानकारी ये मिली है कि ठेकेदार ने अपना बिल लगा के मलबा हटाने का लगभग करोड़ों से रुपए से ऊपर की राशि उसने अपने खाते में शासन से ले ली है। तो ये कहीं ना कहीं जाके इसमें भ्रष्टाचार भी ठेकेदार के द्वारा किया गया है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए।